तो दोस्तों मुझे अभी अर्जेंट काम से कहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। ये लोग मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं, और मोपा एयरपोर्ट हम जा रहे हैं। वहाँ से मुझे कहीं जाना है आने वाले दिनों में, आपको मालूम पड़ेगा। क्या मेरे पास है? गाड़ी में इतना भभका भरा पड़ा है। वो चिप्स वगैरह के पैकेट जब खाते हो उससे तो रखते क्यों नहीं डस्टबिन में? क्या है कुरकुरे है, क्या है वो? हाँ तो वो मत खाया करो। ये ले। और जैसे मेरी दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट छूट गई थी, मुझे लग रहा है आज वाली भी फ़्लाइट छूट जाएगी, और मुझे छोड़ करके वापसी में अपनी स्विमिंग क्लास चले जाएंगे। रास्ते में ही है वो, तो ये मुझे छोड़ेंगे। मेरी 4 बजे की फ़्लाइट है, और उसके बाद ये मतलब मेरे को तो पहले छोड़ के ही अपना स्विमिंग क्लास आ जाएंगे। ये आगे से गाड़ी घुमाने जा रही है, आगे से गाड़ी घुमा करके हम लोग इसी तरफ से जाएंगे। दिखा ये क्या है, ये बिल्लू और मोती के लिए ना। अच्छा पूरी तरह टाइट मत बांधना, ठीक है? मतलब 2 उंगली आराम से उसके गले में चले जाएंगे, मतलब टाइट ना लगे, घुटन ना हो। एक इसके गले में हो गया, उन्होंने वो उसके पहनाया ब्राउनी है, अभी देखा नहीं, जाके चेक करके आना ब्राउनी को पहनाया कि नहीं पहनाया। और ये बिल्लू मोती के पहना देना है एक एक। गाड़ी के पीछे की सीट पूरी उसने मिट्टी वाली गंदी कर रखी है। आज रिवर बैंक में फंक्शन है, कॉन्सर्ट है। गोवा डे क्या? वर्ल्ड गोवा डे। पेड़ है, अंदर एंट्री है ना। चलाएगी? मैं चलाऊं? लोग स्विमिंग के लिए तो आज आराम से टाइम से पहुंच जाओगे। ये कह रही है कॉन्सर्ट है आज यहाँ पे। पार्किंग का क्या वो हो गया, इतनी बढ़िया पार्किंग। एक इस कुत्ते के भी पहना देना बेल्ट। बेल्ट एक दो फालतू रखना अपने गले में, ये जो मैं खड़ा है। और एक वो, और एक वो जो आता था इससे खेलने जब हम यहाँ, हाँ वो मिले उसको भी पहना देना। ये भी मोती बिल्लू को पहना दिया? नहीं मोतू भी, मोती बिल्लू मिले ही नहीं मोतू। पापा भी क्या कहते थे कि एक दो फालतू रखना अपने गले में। एक्साइटेड नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। फ्रस्ट्रेटेड हो? तुम कब से फ्रस्ट्रेटेड हो? मतलब मेरे को ये ना इस तरह की ट्रैवलिंग जो होती है ना, शॉर्ट नोटिस ट्रैवलिंग और भागम भाग वाली, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ मुझे ये सब पसंद नहीं है। एक इसके भी पहना दो, सबके पहना दो, और मंगा लेना ना अमेज़न से। मेरे को लगता है जो हमने देखा ना बहुत सारे कुत्तों के गले में है ये वाली बेल्ट, वो एनजीओज ने पहनाई होगी या ऐसे कोई फॉरेनर्स वगैरह ने पहना दी होगी, है ना। तो ये यहाँ पे तारी पे इतने सारे 8-10 डॉग रहते हैं, तो जो उधर से नहीं वो एक ओल्ड एज हस्बैंड वाइफ घूमते, वो लोग आते हैं खाना देते हैं उनको। अब वो तो मैंने देखा होगा।
गवर्नमेंट भी कहाँ गली गली में जाके कुत्ते घूमती रहेगी। पर ये काम तो गवर्नमेंट का ही है ना, ऐसा थोड़ी है। डॉक्टर ने बोला था गवर्नमेंट में शामिल होने को। ये जिम लोकल पर्सन एक दिन में यहाँ जिम जाता था और जाऊंगा फिर से। वो तो मैंने वो अभी जाना था इसलिए शुरू ही नहीं किया मैंने। ये देख लो ये हमेशा हंसता रहता है। ध्यान से देखो तो ऐसे लगता है हम पे हंस रहा है ये। भागो तुम 9 to 5 करो जो तुम्हें करना है, मैं तो मस्त बैठा हूँ। माइक को ना पावर बैंक से चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा कौन है माँ? और सबसे पहले ना वो वेल्डर को बुला के वो गेट का काम करवा लेना, और उससे अपने वाले गेट में भी जाली लगवा लेना नीचे। हाँ तो एक तो वो वेल्डर को बुलवा के गेट और उससे वो खिड़कियाँ निकलवा लेना, ठीक है। और अगर कहीं मटका मिले तो आपसा अगर जाओगे तो ये दोनों काम कर लेना, नहीं तो यहाँ कहीं भी मटका कहीं आएगी नहीं बीच में कहीं दुकान पर मटके। तो एक मटका बढ़िया सा काली मिट्टी का मटका मिल जाए तो बढ़िया है वो पानी पीने के लिए। और डिस्पोजेबल ग्लास रख देना, पेपर वाले, प्लास्टिक वाले नहीं। के ऊपर है वो एयरपोर्ट, यहाँ से ही दिख रहा है वो एयरपोर्ट ही है। ये पहाड़ के ऊपर व्हाइट व्हाइट है ना, ये एयरपोर्ट है। वो देखो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बूथ है जहाँ से वो सब नजर रखते हैं। पहाड़ के टॉप पे बनाया इन्होंने एयरपोर्ट एकदम। ये चपोरा रिवर है जो अपने घर के आगे से जा रही है। ये एयरपोर्ट नहीं होता तो इस समय तो हमें 2-2.5 घंटे लगते पहुंचने में मडगांव। वास्को मडगांव से, हाँ वो वास्को जाते हैं हम, वो डबोली में एयरपोर्ट, कम से कम यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते।
समय उसको फिर वो टाइम लगा, वहां पर पहला डर लगा। जाना हो तो बात अलग है। अब चेकिंग वेकिंग करनी शुरू कर दी, पहले वो भी नहीं, इधर से ले ना पीछे तो कोई नहीं आया। सिर्फ फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। डिपार्चर मतलब जिसने लेके जाना है तो वो प्रॉपर आदमी बंदोबस्त करके लेके जाएगा ना। फिर आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा, ये हर बार का। नहीं इधर ही जाना चाहिए। पहल को पता था मेरे को यहीं उतार के तुम लोग निकल जाओ। टाइम तो हो ही गया था, कितना 2:25 तो हो ही गए हैं। 1.5 घंटा छाव में लगाओ थोड़ी ठंडे के लिए। अब रैन नहीं लगा दे तो भी जा। तुम लोग कितने 3 बजे तक पहुंच जाओगे ना? 3 बजे तक तुम लोग पहुंच जाओगे। रुक दे बस, अभी टोक देगा, रुको मत जाओ। नहीं रुकेंगे, उनको पता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे। हाँ तुम्हें तो आदत होगी, तुम्हारा तो रोज आना जाना हो गया। पहचानते हैं तुम्हें, कौन स्माइल कर रहे थे वो? अरे बेटा उनका काम है, वो सबको स्माइल करते हैं। बैग दो मेरा। बस यही एक छोटा सा बैग है। यहाँ से तुम लोग जाओगे सीधा स्विमिंग क्लास, ठीक है? और चल ठीक है। क्या हुआ, आगे बैठने के पीछे बहस हो रही है? देखो जुखाम भी तो हो रहा है, सही तो कह रहे हैं। अगर नाक बहरी हो रहा तो इसको स्विमिंग मत करने देना, समझ गए? अगर इसको जुखाम हो तो स्विमिंग मत करने देना। जाओ जाओ,
तो ये लोग मेरे को छोड़ के जा रहे हैं एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट। मैं इस समय मोपा एयरपोर्ट पे हूँ। किसी अचानक इमरजेंसी के काम से मुझे जाना पड़ रहा है और मेरे कुछ गेट नंबर 8 जाना है, बोर्डिंग पास मिल गया है और पिछली बार टिकट फ्लाइट छूट गई थी मेरी दिल्ली से गोवा की, तो दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो मैंने फटाफट मतलब अभी भी 1 घंटा है, 1 घंटे पहले मैंने बोर्डिंग क्या बोलते बोर्डिंग पास मिला है मुझे, तो ठीक है। तो मैं भी एयरपोर्ट पर उतर गया हूँ। तो दोस्तों मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ इस समय, यहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं जाऊँगा और मैंने एयरपोर्ट के पास ही होटल बुक किया है और वहाँ से मैंने 1 या 2 दिन मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर, डिपेंड करता है मेरा वो काम कितने दिन में होता है। तो यहाँ से मेट्रो पकड़ के देखते हैं।